हेलो। हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्ते। मेरा नाम शशांक पांडे है, इंडिया टॉप से बोल रहे हैं। नमस्कार सुरंग जी, कैसे हैं? बढ़िया मैडम जी। बीते कुछ दिनों से गर्दनी बाग में स्टीट जी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, मेरिट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। लगभग सत्रह हाँ अठारह हाँ दिन हो गया, और अभी बीते जी दो या तीन दिनों से क्वालिफाइड जी अभ्यर्थी आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने हमेशा कहा है अपने वीडियो में, हमेशा इस बात जी का जिक्र किया है कि हम पैसे लेने वालों के साथ नहीं हैं। जी जो आप मांगते हैं, पैसा मांगना बंद करें लोग, लेकिन अब आप जी लोग की तरफ से भी पैसा मांगा जा रहा है और आप भी उसमें शामिल हैं आंदोलन में। देखिए सर, मैं अक्सर आपके इंटरव्यू पे भी और कई चैनलों पे भी ये बात कह चुका हूँ कि मैं पैसा लेने वाले किसी संगठन किसी टीम के साथ नहीं हूँ, नहीं, और मेरा ये नहीं, सिद्धांत मेरी आप जिस संगठन के साथ हैं, जिस संगठन के साथ आप लोग आप हमेशा मेरे स्टूडियो में आए हैं या फिर आंदोलन किए हैं, जिसके साथ आपने हमेशा कहा, लेकिन एक आध दो वीडियो मैंने भी देखा और एक आध दो ग्रुप में पैसे भी मांगे गए हैं लोगों से। एक्चुअली 12 मार्च को इस बात पे चर्चा हुई थी, विवाद भी हुआ था, मुझसे भी कहा गया था कि आप चंदे को वीडियो वगैरह ये सब ना कीजिए। मैंने स्पष्ट रूप से उस दिन भी कह दिया था, जो भी हमारे टीम मेंबर थे, कि मैं वैसे किसी टीम के साथ नहीं हूँ, ना रहूंगा, चाहे वो किधर के भी हों, इधर उधर जिस खेमे के हों, जो चंदा मांगते हों। तो उसके बाद उन लोगों ने जो भी कर रहे हैं, एक नया संगठन बनाया, उसमें जो भी हैं वो सारे नए संगठन के लोग हैं, नाम वाम भी शायद बदला हुआ है। तो वो जो भी कर रहे हैं उसमें अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो तारीफें उनकी हैं, बुरा कुछ कर रहे हैं तो उसके भी जिम्मेवार वही लोग हैं जो उस संगठन से जुड़े हुए हैं, मैं उसमें कहीं नहीं हूँ। हाँ ये जरूर है कि जो लोग कर रहे हैं, अगर ठीक ठीक है नाम पे, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो अपना फ्री है कुछ भी करे। मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, मेरा सिद्धांत है, और जैसा कि मैं आपके साथ आता था या इंटरव्यू वगैरह में आता था या डिबेट में भी, मैं ये बात कई बार कर चुका हूँ कि मैं किसी भी चंदे को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ये होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये अब भी यही मानना है कि ये जो एसटीईटी के जो एस्पिरेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो बेरोजगार लोग हैं, ज्यादातर गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं, और उनसे चंदे के नाम पे, चाहे वो जिस खेमे के लोग ले रहे हो, उगाही करना, उनको सपने दिखाना, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हो कि इतने पैसे खर्च करके आपको मिला क्या, तो मैं उसका आज भी समर्थक नहीं हूँ। उन लोगों ने अपना नया टीम बनाया है, नया काम कर रहे हैं, मैं उसमें कहीं नहीं हूँ। ये जो आंदोलन हो रहा है गर्दनी बाग में, क्वालिफाइड की तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन में आप शामिल नहीं है? नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ जो भी कर रहे हैं, अगर एसटीईटी के लिए उनको लगता है कि इसके जरिए से वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो करें, लेकिन मैं इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है? मेरी उसमें कोई भी भूमिका नहीं। इन्वॉल्व मैं एक्चुअली इसलिए अभी नहीं है कि पैसा मांगा जा रहा है या फिर आपको बुलाया नहीं गया है? नहीं, पैसा मांगा जा रहा है इसीलिए बीच में कुछ विवाद भी हुए थे, और शायद इसीलिए मुझे बुलाया भी नहीं गया, मुझसे कभी पूछा भी नहीं गया, जो नया संगठन बना है या जो नई टीम बनाई गई है। आपस में ही आप लोग तो बैठे हैं अब नहीं बटा, देखिए बटने जैसी कोई चीज नहीं है। अगर मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ सबके भले के लिए, ये मेरा आपसी या पारिवारिक मसला तो है नहीं, तो सबके भले के लिए काम है, अगर मैं काम कर रहा हूँ उसमें कहीं कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि या फिर उन्हीं के जिम्मे छोड़ दो कि वो कम्प्लीटली फ्री होकर उस काम को ढंग से करे, तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं तो इससे बाहर ही हूँ, और मैं अभी आउट ऑफ बिहार भी हूँ, तो आप बिहार में ना नहीं? मुझसे कभी, हाँ ना मुझसे मुझसे कभी नया टीम नया संगठन जो भी बनाया गया उसके बारे में ना मुझसे कुछ पूछा गया, ना उसमें मेरी कोई भूमिका है। वो जो भी कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, और वो फ्री हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो सबके लिए बेहतर है। मैडम जी, ये सवाल है कि अगर एक तरफ टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 80,402 है, कुछ अभ्यर्थी बटे मेरिट में, कुछ अभ्यर्थी बटे क्वालिफाइड में, अब ये देखा जा रहा है कि मेरिट में भी दो तीन संगठन, क्वालिफाइड में भी दो तीन संगठन, ठीक
क्या आप लोग एक मंच पर कभी आना नहीं चाहते हैं या परिस्थितियां वैसी नहीं बन रही हैं? देखिए सर, मेरिट और नॉट मेरिट तो सरकार के द्वारा क्रिएट किया हुआ है और वो वैसा है कि सब लोग अपने अपने फेवर का सोचते हैं। हमने भी बहुत कोशिशें की थी जब थे साथ में कि हो जाए सब कुछ, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं और अपना अपना स्वार्थ है जिसके कारण वो लोग इकट्ठा होते नहीं है। उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये चंदा जो, और ये आज का खेल नहीं है, चंदे वाला खेल तो बहुत पहले से चल रहा है, वो लोग भी प्ले करते हैं कि होने नहीं देते हैं लोगों को एक साथ। रही बात सर एक साथ आने की, तो एक साथ आने की संभावना तो तभी बन पाएगी। हालांकि इस बार हमारे पास ये गोल्डन टाइम था जब सरकार अपने बनाए जाल में घिरी हुई थी, हम सब एक साथ मिलकर लड़ते, निश्चित ही सरकार घिरती और निश्चित ही सरकार बाध्य होती इस बात पे जो हम अपनी मांग रख रहे थे उसे मानने के लिए। लेकिन यहाँ जो भी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं सरकार के तरफ से या सरकार जो बाकी के अभ्यर्थी हैं जो कर रहे हैं वो लोग भी, उसमें अब बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि ये सब लोग एक साथ आके और इस बात पे एग्री होंगे कि सिर्फ नौकरी की बात की जाए, क्योंकि सबके अपने अपने एम्बिशंस अलग हैं। जब मीणा जी आप हमेशा कहते हैं चंदा 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 या फिर पैसे, आखिर गर्दनी भाग बैठने या पटना जैसे शहर में आकर आंदोलन करने में तो पैसा लगता है, ये भी एक फैक्ट बात है, तो हो सकता है कि उस रीजन में भी लोग चंदा मांगते हो। देखिए चंदा मांगने का मैं विरोधी हूँ और पैसे खर्च होते थे तो मेरा स्पष्ट मानना है अगर आपके 2-3, 4 हजार, 5 हजार जो भी खर्च हो रहे हैं वहाँ लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं कंट्रीब्यूट करके सामने सामने अगर दे देते हैं तो आपको क्लियर तो है, मैं क्रिस्टल क्लियर ये देख तो रहा हूँ कि जो मैंने पैसे दिए 100, 50, 25 जो भी मेरे पास अवेलेबल थे वो पैसे कहाँ लगे। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है जो मुझे दिखी चंदे की, मैंने पहले खुल के विरोध नहीं किया था, बाद में मैंने जब सेकंड टाइम मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ तब मैंने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि पहली बार जिन्होंने भी चंदा लिया था उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। बाद में जबरदस्ती ये शामिल करने की कोशिश की जाती है कि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, जिसका कोई प्रूफ नहीं, कुछ भी नहीं, एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो मुझे ये लगा ये चंदा जो है सबसे बड़ा अवरोध है हमारी नौकरी के बीच में, मतलब जो पैसे लिए जाते हैं उसका हिसाब नहीं दिया जाता है, यही ना साफ तौर पे यही। हाँ बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि हिसाब लेना देना ये तो अलग की बात है, आप बेरोजगारों के संगठन है इस बात को पहले स्वीकार कीजिए ना, चाहे वो मेरिट में हो, नॉट मेरिट में हो या कोई और हो, आपका संगठन आपका आंदोलन बेरोजगारों का है, आप पहले इस चीज को तो स्वीकार कीजिए। आप एक दिन का खर्च 20-20 हजार, 15-15 हजार या 10-10 हजार बता रहे हैं, आपका औचित्य क्या है इतने खर्च करने के और इसका रिजल्टेंट क्या मिलता है आपको? आप इस बार आप आईएएस लॉबी नहीं है, आप किसी आईएएस एसोसिएशन के मेंबर नहीं है जिनके पास लाखों के सैलरी आ रहे हैं और आप उसमें से कुछ पैसा लगा दिए, आप उनसे पैसा ले रहे हो, जो पैसा देते हैं तो शायद कई लोग ऐसे हैं जो दो टाइम भूखे भी रह जाते हैं उन पैसों की वजह से, लेकिन आपको पैसा देते हैं। तो इसमें हर चीज में प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह नहीं होती है, प्रॉब्लम किसी भी डिसीजन को लेने के लिए ना कई सारी बिंदुओं पे सोचना पड़ता है। लास्टली मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं चंदे के अगेंस्ट हूँ और ये मुझे अब भी लगता है कि जो चंदा लोग देते हैं वो सबसे बड़ी बाधा है हमारी नौकरी के बीच में। जिस दिन से बंद हो जाएगा, आप सारे केस वेस वाले मैटर भी देख लीजिए, कोई उसका औचित्य नहीं है। अभी कई केस खारिज हुए, आने वाले दिनों में भी कई केस खारिज हो जाएंगे, कोई उसका ये नहीं है, लेकिन ये पैसे मांग के सिर्फ मनमानियां की गई और मुझे लगता है कि यही डिले करवाते जा रहे हैं हमारी नौकरी। अच्छा अच्छा, आप बहुत सारे आंदोलन को ऑर्गेनाइज किए हैं, कई बार आपने इसका मतलब नेतृत्व किया है, तो क्या आपने चंदा नहीं मांगा है? नहीं सर, मैंने जो भी आंदोलन हुआ था उसमें मैं सपोर्ट में रहा था, वहां पे मैंने कभी चंदा नहीं मांगा था। हाँ जो भी लोग आए थे हम लोग सब ने उसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया था, बाकियों ने भी किया था, 2-2, 3-3 हजार के खर्च आते थे और वहीं पे जो लोग बैठे रहते थे वो 2-2, 3-3 हजार 10-20, 50-100 जिसके पास जितना अवेलेबल होता था स्वेच्छा से देते थे और उतना दे के। एक दिन का आंदोलन ऑर्गेनाइज करने में कितना खर्च होता था? जब मैं था उस वक्त सर मैक्सिमम 2-3 हजार के खर्च आते थे, 3 हजार 32 हजार कभी खर्च नहीं। और अभी 30 हजार रुपए बताए जा रहे हैं।
सर मुझे नहीं पता, मतलब अभी वाले क्या कर रहे हैं, मैंने बताया जैसा कि मैं उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, और मुझे डर हमेशा इसी बात की होती है, जैसे आज आपने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बोलते थे और आज आपकी टीम कर रही है, तो मुझे हमेशा इसी बात की डर होती है कि आप चाहे इससे कितने भी बाहर रहें, कहीं ना कहीं से ये घूम के आ जाता है कि आप थे, जबकि मेरा ये क्लियर है कि मैं बिल्कुल ही इसमें नहीं हूँ। जो वो, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी वो लोग कर रहे हैं उसका जो अच्छा करेंगे उसकी क्रेडिट उन्हें मिलनी चाहिए, जो बुरा करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। और ये सवाल इसलिए भी होता है और ये सवाल आपसे भी इसलिए भी होगा क्योंकि चंदा का विरोध शुरू से आपने किया है, और जब आप जिस टीम के साथ रहेंगे अगर वो टीम चंदा मांगने लगे तो मीणाप का नाम उसमें आएगा और लोग मीणाप से सवाल करेंगे। जी, तो मैं स्पष्ट ये बता दूं कि मैं उस टीम में कहीं नहीं हूं, नया टीम बनाया गया है, नया संगठन है, उसमें अगर मैंने बीच में मेरे पास उसका एक वो आया भी था लेटर पैक, उसमें आपको मेरा नाम भी कहीं नहीं दिखेगा, ना कहीं किसी मीटिंग में मैं इन्वॉल्व हूं, ना इस जो भी हो रहा है इसमें ना मुझसे सुझाव मांगा गया है, और ना मुझे इस बात का दुख है कि मुझसे नहीं मांगा गया। जो कर रहे हैं उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, वो करें, अच्छा कर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। नौकरी लेना है या फिर ऐसे ही घाल मिल करना है? देखिए सर, नौकरी की चाहत तो है हमें, अगर हमने अपना समय उसमें इन्वेस्ट किया था, चाहे वो एक दिन का रहा हो, एक महीने का रहा हो, जो भी मेरा समय था अगर मैंने इन्वेस्ट किया था तो नौकरी की चाहत में ही किया था, और नौकरी हम सबकी जरूरत है। जैसे मैंने पहले दिन 2021 में जब रिजल्ट के बाद 21 जून के बाद जब हमारा आंदोलन हुआ था 23 जून को, और मुझसे वहां पे किसी ने कहा था कि छोटी सी नौकरी है, आप लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं, क्यों आना चाहते हैं इसमें, या क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इतने कम सैलरी, तो उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, नौकरी जरूरत होती है, और उस नौकरी की हमें जरूरत है, तो वो जरूरत हमें आज भी है। लोगों के अलग अलग मायने हो सकते हैं उस जरूरत के, किसी को बिहार में रहना पसंद हो, किसी को टीचिंग प्रोफेशन पसंद हो, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नौकरी जरूरत है, तो नौकरी चाहिए आज भी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिसकी वजह से मैं थोड़ा साइडलाइन में हूँ। अच्छा अच्छा, तो जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हाँ मैं ये दोबारा आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुनेंगे, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो शायद ये डाउट बहुतों के मन में होगा कि मेरा इस नए टीम में कोई रोल नहीं है, ना इस टीम का मैं मेंबर हूँ, ना इसमें मेरी कोई भूमिका है, ना ही मैं इस चंदे वाले जो भी लोग कर रहे हैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, वो वही लोग कर रहे हैं, इसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी क्रेडिबिलिटी और अच्छा बुरा जो भी होगा उसका जो उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी सब उन्हीं पे आती है और उसके जिम्मेवार वही लोग। एक अंतिम सवाल ये है कि जितने भी मेरिट के अभ्यर्थी हैं, खास करके अनिल की बात कर ले, तो अनिल कहते हैं कि हम लोगों की मतलब नंबर इतना है हम लोगों का कि अगर नॉट मेरिट वालों का नंबर अगर घटा दिया जाए फिर भी हम लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे। अच्छा, तो सर 150 नंबर के एग्जाम थे। जी जी, ठीक है, मेरे 104 प्लस हैं। अब अनिल जी कितना लाए हैं और 50% पे क्वालिफाई था, यानी 75 पे क्वालिफाई था, तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि मेरे 104 आप कितने में से घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे कि अनिल जी को 75 आ जाए? आपके 104 में से कम 275 होगा, 179 एटलीस्ट होने चाहिए। तो सर सिंपली है कि 179 तो किसी को नहीं आए हैं, तो ये सिर्फ एक बतौलेबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अक्सर विद्वता की बातें आती हैं तो मैं आपको याद दिलाऊंगा सर, अभी एक मैच इंडिया हार गई थी और विराट कोहली को किसी ने ये थ्रेड दिया था, उनकी बेटी को रेप थ्रेड दिया था, एक छोटी सी बच्ची को, और अगर आपने वो न्यूज देखा होगा तो वो लड़का सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, IIT का स्टूडेंट था, वो लड़का बहुत विद्वान था। तो विद्वता अपनी जगह है सर, उसमें कमी शिक्षा की नहीं थी, उसमें कमी संस्कार की थी। तो जो भी विद्वान लोग बन रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि विद्वता आप अपना प्रदर्शित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस संस्कार को मत भूलिए, क्योंकि वो जो IIT का लड़का थ्रेड देने वाला था, जो जॉब में था IITian,
और एक छोटी मासूम बच्ची को रेपथेट दे रहा था, वो भी कहीं विद्वान विद्वता में उसकी कमी नहीं थी। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होने चाहिए। अगर आप शिक्षक के बनने के लिए लड़ रहे हैं, चाहे जो भी हो, जिस खेमे के हो, संस्कार बहुत बड़ी चीज है और वो होने चाहिए। शिक्षा तो सब में है, आप भले ही किसी को कम देखते हो, ज्यादा देखते हो। सिंपली मैं आपको यही बता दूं कि अक्सर अगर आप बात विद्वता और मेरिट के आधार पर करते हैं तो मैं, क्योंकि यहाँ राजनीति बहुत होती है इसलिए कास्ट की बात नहीं करूंगा, हमारे यहाँ एक EWS रिजर्वेशन है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में EWS वालों का जो मैंने देखा था, वो आया था RTI से, तो 1.6 पे कुछ था। और बहुत से लड़के हैं जनरल में जो 110 लाख के बाहर हैं, ठीक है। तो आपको अगर 106 आया, आप मेरिट में चले गए EWS पे, वो लड़का 110 लाख के नॉट मेरिट में है, तो क्या उसकी विद्वता कम है अगर नंबर पे ही देखना है? तो ये सिर्फ जी ये सिर्फ बतौलेबाजी है और इस अहंकार में बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए एकेडमिक और स्टेट मार्क के, क्योंकि इसके बहुत से फैक्टर होते हैं नंबर कम ज्यादा होने के। और जो एक बात हो रही है आजकल की, एक रूपता थी एग्जाम में, तो कहीं एक रूपता नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था, कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन के जो लेवल थे अलग अलग थे, कहीं टफ था कहीं इजी था। 28 सितंबर को आई थिंक जो एग्जाम हुआ था कंप्यूटर साइंस का, सेकेंड शिफ्ट वो ज्यादा टफ था, बाकी उससे थोड़े कम टफ थे। तो अलग अलग लेवल में एग्जाम हुए थे, कहीं एक रूपता नहीं थी, नंबर आया आपको, अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस अहंकार से बाहर निकलिए कि आप नॉट इन मेरिट के नंबर माइनस कर देंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरा नंबर माइनस करके आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और मैं नॉट मेरिट में हूँ। अच्छा, अगर सरकार द्वारा जो रचित षड्यंत्र है उसके तहत मैं नॉट मेरिट में हूँ। जी जी, इस षड्यंत्र ये बार बार क्यों कहते हैं, षड्यंत्र इसे क्यों कहते हैं? आपने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया, आपका नंबर आया तो उसमें सरकार की गलती नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ सर कि जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम 104 नंबर मेरे आने के बाद, जो 12 मार्च का रिजल्ट आया था, शिक्षा मंत्री जी ने 3 वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठ के ये कहा था कि 24,500 कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। अगर इतने ही कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे तो बाद में जो आए या बाहर हुए तो षड्यंत्र के तहत ही हुआ ना। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको, शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आज तक इस बात पर स्पष्टीकरण या रिग्रेट जाहिर नहीं किया गया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो गलत था। ये लोग आपस में इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कभी यह स्पष्टीकरण नहीं आया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत था। तो ऑब्वियस है कि यह षड्यंत्र ही था। अगर उसके बाद भी होता है मेरा नंबर, जब उतने ही क्वालिफाई था और मैं क्वालिफाई था, और उसके बाद अगर मुझे इस खेमे में रखा गया, तो ऑब्वियस है कि वो षड्यंत्र ही था, और ये हक है मुझे कहने का। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी। जी, थैंक यू।